एक और बड़ी खबर है, ज़ेलेंस्की पर ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो का निशाना। यूक्रेन के लोगों ने कॉमेडियन को सत्ता सौंपी थी, जनता ने कॉमेडियन पर भरोसा किया था। बोल्सोनारो ने यह कहा है, यूएन के मंच पर मैं अपनी पूरी बात रखूंगा। बोल्सोनारो ने यह महत्वपूर्ण बयान दिया है और यह बयान है यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के खिलाफ। सभी जानते हैं कि ज़ेलेंस्की एक कॉमेडियन थे और एक्टर से इतने पॉपुलर हुए कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट बन गए और इसी का माखौल उड़ाया है ब्राजील के राष्ट्रपति ने। बड़ी खबर है और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर में घुसी रूसी सेना। मेलिटोपोल में दिखी रूसी सेना की दर्जनों गाड़ियां, देखिए किस तरह से मेलिटोपोल में रशियन फौजों की मौजूदगी साफ तौर पर नजर आ रही है। जबरदस्त जंगी हालात के बीच मेलिटोपोल शहर से जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें कई रशियन गाड़ियां भी नजर आ रही हैं। रूसी सेनाएं किस तरह से अब यूक्रेन के अलग अलग शहरों में दाखिल होती हुई नजर आ रही हैं, ये आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। धीरे धीरे करके पूरे यूक्रेन को जद में लेने की कोशिश करती हुई अब रूस की फौजें नजर आ रही हैं मेलिटोपोल शहर से। ये ताजा तस्वीरें आपके सामने। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।